बैक टू प्रिया के ब्लॉग चैनल। आप लोग कैसे, सब बढ़िया होंगे मेरे ख्याल से। तो आज है मेरा पेपर, तो आज मैं अपना ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करी सुबह से। तो सबसे पहले तो कॉलेज जाने से पहले नाश्ता वास्ता बना लेते, फिर नाश्ता करके चलते फटाफट की और कॉलेज की ओर। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में आगे देखते रहना कि होगा क्या करके। तो चले चलते आगे की ओर बढ़ते। तो मैंने भाई के लिए तो बना लिया पराठा, तो मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ क्योंकि मैं पराठा नहीं खा रही हूँ। मैं अपने भाई के लिए बनाऊँगी बस। तो यहाँ पर अभी मैं अपने लिए रोटी बनाती हूँ क्योंकि नाश्ता करते हो फटाफट जाती, क्योंकि 2 दिन से जैसे लेट होने लगा आज भी ऐसे होने वाली। क्योंकि 8:20 तो अभी हो गया था, 25 हो गया होगा, 8:25 मेरे को यहाँ से तनिया होने में जाने में कॉलेज पहुँचने में बहुत टाइम लग जाना है। तो अब होते तनिया फटाफट चलते कॉलेज की ओर क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन सीट तो पता है मुझे कि कहाँ लगी है करके, न्यू कॉम फर्स्ट में लगी है, जो मुझे बहुत पहले पता नहीं था, लेकिन अब पता है कि कहाँ है। क्योंकि अभी तक मुझे आधी से आधी जगह पता नहीं है कॉलेज की कि कौन सी जगह है। पूछ पूछ के जाते कि ये कौन सी जगह है, ये कहाँ है, वो कहाँ है करके पूछते पूछते जाना पड़ता है। तो अब तो ये जहाँ मेरा सीट लगा है आज, वो तो मुझे पता है, इसलिए था लेट भी वगैरह चलेगा लेकिन पहुंच ही जाऊंगी। तो फटाफट चलते रेडी होते। मुझे एक बार तो लगा कहीं सेम टू सेम पहन रखे हैं भी क्या, सोचे कहीं सेम टू सेम पहन रहे घर जाके चेंज करना। ये रहे मेरे दो दोस्त जो जो इनको साथ लेके जा रही हूँ मैं, वो भी इनके साथ इनके गली से। आधा टाइम पे आई होगी, अब देखते क्या होता है। नहीं तो हाँ, ये रही वो जगह जहाँ हमारी सीट लगी हुई थी, पर हम लोग पेपर देके आ चुके। उस टाइम पर वीडियो नहीं बनाया मैंने जब हमारी सीट मिली कहाँ लगी थी करके, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ से ऊपर की ओर चली गई थी दोस्तों को ढूंढने के लिए कि मिल जाएंगे तो साथ में जाएंगे करके। ये देखो ये रहे मेरे तीन दोस्त इधर साइड पर है। आप ब्लॉगिंग कर रहे हो यहाँ पे? हाँ हाँ, मेरी देखो मैं कह रही थी एक दोस्त भी नहीं दिखी, पुरानी दोस्त, ये देखो एक दिख गई। चलो बाय बाय, अकेले चलते हैं यहाँ से। चले और के कॉल करने के बाद आ ही गए फाइनली। तुम्हें छोड़ के तो मैं जा रही थी, चले गए होंगे करके। तू कहाँ से आई रे? मैं यहाँ से आई गेट से, इसी गेट से। हाँ मर रखा है या जिंदा? नहीं सांस तो ले रहा है, फड़वानी है, मतलब कोई गाड़ी आ जाएगी ऊपर से। फटाफट जाते गाड़ी के अंदर। अब यहाँ से आज तुम सब यहाँ से आ रहे हो? बेटे की नहीं, तू तो यहाँ से जाते हो औरों का हुआ। इनको पीछे छोड़ के हम खुद ही आगे चल जाते हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ से आई है तो, और आती हूँ मैं यहाँ से पहली बार। तो आज थकान लग गया, कैसे कह दिया फिर सीढ़ी में? तू कल ही आना। कितना खुशबू आ रहा है, चलो फिर बाय। मेरा तो आ गया अभी, आड़ू लग रखे आंटी लोगों के पेट में। फाइनली अपने रूम पर पहुंच चुकी हूँ, यहाँ से दोस्त अपने अपने गली से सब जा चुके, तो रूम पर तो आ चुकी मैं। अब जाती हूँ यहाँ पर साइड में दुकान में अंडा लेने, क्योंकि आज अंडा तरी बनाएंगे। चलो आज कभी ना अलग तो बनाने वाला, दाल बनाने से अच्छा कुछ और ही सही। तो चलो अभी अंडा लेके आती मैं। तो अभी आपसे मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मेरे ब्लॉग में बने रहना, आगे देखते क्या तो तय करके। यहाँ पर देखो मुझे क्या दिखी, ये दुकान वालों की बिल्ली है, टच करने देती है, पता है मज़ा आता ना इसको देख के। शुरू मेरे हाथ में अंडा दे, चलते हैं अपने रूम पर फटाफट बनाते अंडा तरी। और हमारे अंडा तरी बनने को तैयार हो चुकी है। 4 अंडे लेके आई थी मैं, कि 2 फ्रीज 2 में खाएंगे बस, क्योंकि ज़्यादा क्या चाहिए। तो हल्का सा मैं अभी मसाले में से पका रही हूँ, तो तब तक थोड़ी देर में इसको मैं पानी डालूँगी। सुबह तक तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रखा था, देखो धूप आ रखी है। उस टाइम पर क्या कहते, जब हम पेपर देने गए थे तभी आ चुका था। यहाँ पर दादी खेतों में कर रही है क्योंकि इनका यहाँ पर बड़ा सा खेत है, तो यहाँ पर बुआ दादी कर रही है। मैं सोचा था और टाइम तो मैं दिन में सोती थी, पर आज नहीं सो रखी हूँ। तो मैं यहाँ चांदू को कॉल लगाई थी, 4 बज चुके हैं, चांदू फ़ोन नहीं उठा रही है, सोचा जाएंगे करके। अब रूम पर ही ऐसे ही पड़ा रहना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर के अंधेरा होगा फिर छत में जाऊँगी। यार यहाँ पर से दादी को देखती हूँ काम करते हुए, मुझे तो अपने घर का याद आ रहा है कि घर में धान का होने लग गया है घर पर, तो क्या होगा करके मम्मी। तब तक तो मैं छुट्टियाँ पड़ जाएंगी ये जून की, तो तब चले जाऊँगी।
या नहीं भी जा सकती क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल का भी हुआ नहीं अच्छे से, और प्रैक्टिकल में बहुत मुश्किलें हो रही है इस सेम में जो होता है मेरे साथ, तो देखते आगे। अभी चांदू को एक और बार कॉल करती हूँ, उठा लिया तो ठीक है, वरना हो गया वीडियो में देख लेना आपकी क्या होगा, जाएंगे या नहीं जाएंगे करके। आगे बढ़ते पहले, पर अभी आ चुकी है चांदू। मैं कह रही थी ना आपको कि चांदू को मैं कॉल करूंगी, और देखो चांदू आ चुकी है, अब हम जा रहे हैं महादेव। मैंने उस टाइम पर बाल में तीर भी लगाया था, तो यहाँ पर चांदू आ चुकी है और अंधेरा हो रखा है हमारा कमरा, लेकिन हम लोग लाइट नहीं खुलते। अब चलते फटाफट महादेव की ओर। हम लोग नीचे रास्ते में पहुंच गए, हम पे देखो तो मस्त सब फूल हो गया। चल चांदू साड़ी लगा, चांदू साड़ी ले लगा के खड़ी हो जाए ऊपर वाले इमोजी भी डाला करना बीच बीच में। अब वो इमोजी नहीं है मेरे पास, हंसने वाला वो ये क्या बोल रहा है वाला आता ओ चलिए है हाँ। हम लोग भी खतरनाक है, क्या क्या तो लेके आते। चार 2024 ले क्या क्या खा रहे हैं, जैसे पिछले वीडियो में आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, तो यहाँ पर फिर से हम लोग शुरू हो गए। अरे तूने भी तो लाया था 10 रुपये शायद, में तूने भी लाया था। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है, उस दिन की तरह मिलता नहीं मिलता। मैं फटाफट पानी भी पता नहीं, आजकल पानी बहुत कम आ रहा है ना, तो मैंने अपना पानी भर लिया है। चांद अपना जर्किन लेने गई, जहाँ से हमने बाजार की चीज़ें खाने की चीज़ नहीं खरीदी थी वहाँ पर, शायद वहाँ उसका जर्किन छूट गया है, तो अभी मैं ही मैं भर रखा है पानी। चांद वापस गई है यहाँ से इतने ऊपर, तो अभी तो भीड़ भी नहीं है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। चांदू पता नहीं कहाँ पहुँच चुकी, मिला नहीं मिला उसे जर्किन। भीड़ भी नहीं हो रखा है, लेकिन चांदू बेचारे का किस्मत ही ख़राब हो गया जर्किन के कारण, अभी तो पहुँची भी नहीं है और दिख भी नहीं रखी है, अब कहाँ होगी। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ उसका, जहाँ होगी पता नहीं। तब से कितनी अच्छी किस्मत है, अभी भीड़ भी नहीं हुआ था। फोन करते एक बार में उसे, अभी पहुँच रही है देखो तब से। भीड़ भी नहीं है, अभी ठीक हो रखा है। ओला जिसे मिनी ब्लॉग में मैंने बनाया था, कितना भीड़ हो रखा था। पहुँच जा जल्दी पहुँच। कैसा लगा देखो, पूरा मुंह ही लाल हो गया यहाँ से नीचे भी उसके, दोबारा जावी भर ले फटाफट। फाइनली ये पानी भर के आ चुकी है, इसका फोन मेरी वहां पर ही है। चलते हैं फटाफट से। ऐसे ही आपने छुटा हुआ था, जैसे मेरे जटकिन रखा है वैसे ही आपने इसका छुटा हुआ था। अब हम हमारे 2 रुपये बचा था, हम फिर से उसके आइसक्रीम लेके जाएंगे। ए यहाँ बिल्ली थी यार, बिल्ली नहीं है ना। तो पहुँच गए हैं महादेव से। हमारा दिख नहीं रहा होगा पता, क्योंकि मेरा फोन तो अजीब टाइप का दिखता नहीं है अच्छे से, वरना हमारा मुंह तो बहुत गंदा लग रहा है, लेकिन चांदू का दिख ही रहा है हल्का हल्का। यस इसका मतलब तो अभी हम लोग कहीं नहीं जा रहे, अब डुमपटी रहेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज मैं बना रही हूँ खाने में, आप लोग देख सकते हैं आज मैंने करेला बना रखा है, क्योंकि बहुत दिनों से हम सब्जी खा लेते, तो उसके साथ करेला बना के खा लेते हैं। और साथ में आज मैंने सेमिया भी बनाने का सोचा, क्योंकि और टाइम तो मैं नहीं बनाती थी, दीदी लोग बनाते थे और घर पर तो मम्मी लोग बनाते थे, मैं कभी नहीं बनाती थी। आज मैंने ट्राई मारी फर्स्ट टाइम, देखते कैसा होता है। ज़्यादा चल रहा, तो अभी तो मैंने खाना बना चुकी हूँ, बस अभी बनने को तो बन चुका था, 1 घंटा हो गया। अभी सब्जी गर्म करके क्रिस को दूंगी, तो तब तक आप लोगों को आज का दिन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो साथ ही साथ आप लोगों से एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, कि मैं वीडियो में कहीं ना कहीं सबको मिक्स कर देती हूँ, कि पहाड़ी हिंदी या अलग तरीके से बोल देती हूँगी, मेरा वैसे ही है, ये सुधरने वाला नहीं है शायद मैं वीडियो बनाते बनाते भी, तो जैसा भी है अब क्या करें। तो आप लोग प्लीज़ जैसा भी लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज का दिन यही ख़त्म करते हैं, बाय बाय। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिस दिन मेरा पेपर का उसी दिन मिलेंगे अब, या अब तो ऐसा लग रहा है कि पेपर का बनाओ क्या बनाओ करके कोई मिलता भी नहीं है दोस्त अच्छे से, सब अपने धुन में होते हैं, मज़े में होते हैं, तो क्या तो होगा देखा जाएगा। तो मेरे वीडियो आगे के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाय।